हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवांश और आज की इस वीडियो में यहाँ पे कुछ OnePlus 6 के कैमरा सैंपल्स आपको दिखाने वाला हूँ जो कि हो गए हैं लीक, या फिर कह लीजिए कि पीटी लाओ जो कि सीईओ हैं OnePlus के, उन्होंने खुद ही टीच किया है चाइना के एक सोशल साइट वीबो के ऊपर। कल उन्होंने ये पोस्ट किया था कुछ इमेजेस, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इमेजेस हैं। तो यहाँ पे पीटी लाओ का विकिपीडिया खुला हुआ है जिनका नाम है लियू जोहू, और ये जो है ये सीईओ है और को फाउंडर है वन प्लस के। तो यहाँ पे उनका, चलिए देखते हैं वीवो का सोशल अकाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं लियू जोहू जो कि वेरीफाइड है और यहाँ पे लिखा हुआ है वन प्लस टेक्नोलॉजी सीईओ, वन प्लस फोन फाउंडर। तो चलिए देखते हैं उनका पोस्ट। तो ये उन्होंने कुछ इमेजेज पोस्ट किए थे, ऑलमोस्ट 6 इमेजेज हैं। चलिए इन्हें मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये इमेज हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया सनशाइन ट्यूलिप, मतलब कैलिफोर्निया का यहाँ पे स्टैनफोर्ड का फोटो है, ट्यूलिप का भी फोटो है, इसलिए उन्होंने कैप्शन दिया है ये। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये वन प्लस सिक्स का है, लेकिन ये जो फोटो का ओरिजिनल रिजोल्यूशन और यहाँ पर जो भी डेटा, मेटा डेटा यहाँ पर मिला है फोटोज़ का, उससे पता लगता है कि ये अपकमिंग फ़ोन वन प्लस सिक्स का ही फोटो है। तो चलिए देखते हैं फोटोज़ को। तो जो ये पहला फोटो एकदम ओरिजिनल रिजोल्यूशन में आया, ऑलमोस्ट 8.4 मेगाबाइट्स का यहाँ पे ये फोटो है, पूरा ओरिजिनल है। यहाँ पे आप इसे जूम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे आप स्काई देख सकते हैं, डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे फोटो काफ़ी अच्छी आई है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट इमेज मैं देखता हूँ। तो ये ट्यूलिप का यहाँ फ्लावर का फोटो है और यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से कलर सेचुरेशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इमेज की मैं बात करूँ आपको, तो नेक्स्ट इमेज में आपको मिलता है एक डोर या फिर विंडो कह लीजिए, उसका एक फ़ोटो है, काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे कलर्स। नेक्स्ट इमेज देखते हैं आप, नेक्स्ट इमेज यहाँ पे एक बिल्डिंग की है और स्काई देखिए काफ़ी अच्छा एकदम कलर लग रहा है स्काई का, यहाँ पे डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो फोटो है और इस फोटो का जो डेटा है वो कहता है कि ये 16 मेगापिक्सल का शूटर से खींचा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वन प्लस सिक्स के रियर कैमरे आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट फोटो मैं देखता हूँ। तो ये जो नेक्स्ट फोटो है ये अगेन एक बिल्डिंग का है और यहाँ पे देख सकते हैं स्काई और गार्डन, जो ग्रास है वो काफ़ी ग्रीन है, स्काई काफ़ी ब्लू है, तो यहाँ पे कलर सैचुरेशन काफ़ी अच्छा है। और जो लास्ट इमेज है ट्यूलिप का, ये काफ़ी खूबसूरत आया है यहाँ पे क्योंकि ये पोर्ट्रेट मोड में लिया गया है और ये पोर्ट्रेट मोड लग रहा है कि ये जूम करके लिया गया है, सो मे भी हो सकता है कि टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिल जाए वन प्लस सिक्स के अंदर। और देख सकते हैं मैं थोड़ा इसे जूम करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये वाला जो ट्यूलिप है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लरी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब पता है कि ये पोर्ट्रेट शॉट्स ही हैं और ये काफ़ी अच्छा ऐसे कलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये थे 6 कैमरा सैंपल्स वन प्लस सिक्स के जो कि लीक या फिर टीज हुए हैं, और देखते हैं कि अपकमिंग स्मार्टफोन में आप क्या क्या देखने को मिलता है। तो बस अभी के लिए तो सारे फोटो सही लग रहे हैं, लेकिन जब तक कि फ़ोन लॉन्च नहीं हो जाता है, जब तक कि रियल लाइफ टेस्ट नहीं होता है उसका, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कैमरा कैसे हैं, लेकिन अभी के लिए कैमरा सही लग रहा है। तो चलिए लॉन्च होने देते हैं, जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा ये फ़ोन और उसके बाद देखते हैं कि कैसा है इसमें कैमरा हार्डवेयर या फिर कैसा स्पेसिफिकेशन दिया गया है और फिर कैसा यहाँ पे रियल लाइफ यूजेज में यहाँ पे काम करता है वन प्लस सिक्स का कैमरा। तो बस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।